धू धू कर जला छोटा हाथी, रामनगर के नौगवा में आग की लपटों से घिर गया घर के बाहर खड़ा वाहन, ब्लास्ट की आशंका से सहमे रहे ग्रामीण। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं तत्काल संदेश निवेदिता के साथ। गाड़ियों में आग लगने के लगातार हो रहे हादसों के बीच सतना के रामनगर क्षेत्र में भी घर के बाहर खड़ा एक वाहन जलकर नष्ट हो गया। वाहन में आग लगने के इस मामले से गांव में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। जानकारी के मुताबिक रामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम नौगांव नंबर 1 में मंगलवार को देर रात घर के बाहर खड़ा लोडर अचानक आग के लपटों से घिर गया। वाहन ब्रिजनंदन निवासी नौगांव नंबर 1 का था और रात में उनके घर के बाहर खड़ा था। बताया जाता है कि वाहन मालिक ब्रिजनंदन सिंह ने काम खत्म कर लौटने के बाद वाहन खड़ा कर दिया था, घर के अंदर चले गए थे। अचानक गांव के कुछ लोगों ने उनके छोटा हाथी में आग की लपटें देखकर शोर मचाया तो तमाम लोग वहां पहुंच गए। वाहन में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन घंटों बाद भी दमकल वाहन नहीं पहुंचा। लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास भी किया, लेकिन आग के विकराल रूप ने उसमें हिम्मत ही नहीं बंधने दी। आग की ऊंची उठती लपटों के कारण ग्रामीण डीजल टैंक में ब्लास्ट होने की आशंका से घिर कर दहशत में आ गए थे, लिहाजा लोग दूर खड़े रहे और देखते देखते पूरा वाहन जलकर नष्ट हो गया। इस अग्नि हादसे की सूचना पुलिस को भी दी गई। आशंका यह भी जताई जा रही है यह अग्निकांड किसी असामाजिक तत्व की हरकत का नतीजा भी हो सकता है। वाहन में किसी ने जानबूझकर आग लगाई हो सकती है। बता दें कि पिछले दिनों सतना में एक ही दिन में कुछ ही घंटों के अंदर दो वाहन आग से जलकर नष्ट हो गए थे। शहर के नए फ्लाईओवर पर दौड़ रही एक स्कूटी चलते चलते जलने लगी थी, जबकि रामपुर बघेलान बस स्टैंड के पास सड़क किनारे खड़ी एक बाइक भी धू धू कर जल गई थी। नई खबरों के लिए आप बने रहें तत्काल संदेश के साथ। अगर खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें।